तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं जर्नलिज्म की क्लास में, स्क्रीनिंग जर्नलिज्म की क्लास में। वहाँ पे एक सर आए हैं, तो सुबह ने बोला भाई चल मेरे साथ, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं कहा ठीक है भाई चलते हैं, तो आपको भी नई चीज़ें सिखाएंगे और खुद भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सीधा, मिलते हैं अब कहाँ पे, अंदर शॉप में डिपार्टमेंट। सिर्फ मटीरियलिस्टिक गेन वास्ते लिखोगे, यू विल नेवर सक्सीड। सो ये आर्टिस्टिक आदमी की एक दुविधा होती है, क्योंकि सारी उम्र सानू सिखाया गया है कि अपने आप को बंद के रखो, बड़े हमारे बोलना नहीं, एक ही होया तू एक गलत दसती, बड़ी वीक हैगी है ना, या मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैनू मैं मुंडा आया तो मैं की समझ गया तंबू लाना ये लाना वो लाना। तो वो बेसिकली इट इज फॉर प्रोडक्शन, कि इस स्क्रिप्ट के नाल तुहाडे प्रोडक्शन दे लोग जुड़े हुए, कि बंदे नूं बजट दा एस्टीमेट हो जाता कि मैं मान लो इनडोर कर गया, मान लो तुसीं लिखता कि एक्सटीरियर इन ए फाइव स्टार होटल, तो स्क्रिप्ट पढ़ते प्रोड्यूसर नूं पता लग जाएगा कि भाई खर्चा किन्ना खर्चा हो रहा है ना। पेंट दा सीन कहिंदा पेंट दा सीन तो कितें भी करा देंगे, तो माय मदर लव्स हिम वेरी मच। And in the end, I would like to say that a father in need is a father indeed. ये ऐसी चुटकला कई बार सुने हैं, मैं मैसेज दोबारा सुनाता था ना। Basically, जब तो मैं दसवीं बारहवीं की थी, तो मैं don't try to impress anybody. Be honest. जब तुसी ईमानदारी ना काम करोगे, और फिर number two, सानू सिखाया जाता है अपने रोज़मर्रा जिंदगी से अपने इमोशंस नू ख्यालों नू दबा के रखना। किदा तुसी उठ के आए, चार बंदे बाहर चाह पीने गए, तुसी अपने फ्रेंड्स ना की बोलोगे, तुसी सोच समझ के बोल दो। तुहाडे घर से कोई फिलहाल सर ने बताया एडिटिंग वगैरह के बारे में, फॉन्ट्स वगैरह कैसे टाइप करते हैं, फेड इन फेड आउट बहुत सारी चीज़ें बताई कुछ ऐसा। तो भाई ऐसा कुछ है यहाँ पे अंदर से, यहाँ का नाम क्या है, फिल्म क्या क्या बोलते हैं आपको, नाम था गुरमत संगीत डिपार्टमेंट है। अच्छा पानी पी लिए, बेसिकली सेमिनार हॉल था, एक सर रहते हैं यहाँ पे, ये राइटर है ना, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਹਮਕੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ, ਕੈਸੇ ਲਿਖ ਸਕਤੇ ਹੋ ਆਪ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹਮਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲਤੇ ਹੈਂ। ਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਂ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਹੁਆ ਥਾ ਨਾ ਵੋ ਬਣਾਈ ਥੀ ਹਮਨੇ, ਆਪਕੋ ਵੀ ਹਲਕੀ ਸੀ ਦਿਖਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। अगर आपको बाकी देखनी तो थोड़े टाइम में चैनल पे आपको मिल जाएगी, सुबह के हरी सुबह ब्लॉग्स में, हरी सुबह के नाम से, हरी सुबह सिंह। थोड़ी सी झलक और दिखाऊँ आपको मैं, रुको जो बढ़िया पार्ट आएगा उसकी झलक दिखाऊंगा आपको थोड़ी सी, बाकी आप हरी सिंह, हरी सुबह सिंह के बाकी वीडियो आप हरी सिंह सुबह की वीडियो ओ चैनल पे जाके देख सकते हैं, थोड़ी देख सकते हैं, अपलोड कर देंगे थोड़े टाइम बाद, जे प्राइस ना आया था, जे प्राइस ना आया था, अगर प्राइस आया फिर भी कर देंगे। तो दोस्तों आज हम सिखाएंगे आपको ऑडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। हाँ तो चलिए, तो पहला देख पेन टूल सेलेक्ट करके प्रीमियर दे विच, हां देखा उरे में बोलना शुरू किया ना, उरे के कट ला दो, उसके बाद फिर वी दब के सेलेक्ट टूल करो, ते उरे ऑडियंस है जेडी, ओ हो नहीं होई नहीं, दो कट लाने पड़ेंगे, पेन टूल लेके एक और लाओ,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਨਮਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਠੰਡ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪ ਇੰਟਰੋ ਬਾਈ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਤ ਲਗਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਅਬ ਹਮ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਐਸੀ ਕਲਿਪਸ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਹਮਾਰੇ ਖੂਨ ਸਕਿੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ ਸਮੀਰ जो आप पिछले व्लॉग भी देखा होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट समीर भाई के लिए आए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं अब उनका रोल जरा कैसा रहा। ठीक है, फिलहाल साउंड इफेक्ट डाल रहे हैं, अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। बस तो देख लो आ गया समीर का सीन। ये जो वीडियो है ना इसको बनाने के लिए ना हमें कितनी बारी भाई पता नहीं सारा दिन ही इसमें लग गया। सारा दिन मैं तो 2 मिनट से खत्म करता जी एक दो घंटे लग गए थे इतने से बात को कवर करने में।